प्रदेशा दे सारे जिले सारिया भाषा सारी संस्कृति उदे चो है उसने भी हुण 50वीं वर्षगांठ असें अगले साल मनाने हैं क्योंकि कोविड दे अपने परिवार अपने दे सहयोग ने अब उसका निर्माण किया जा रहा है। वो भी अभी लगभग तैयार ही है। अब थोड़े ही दिनों में वो उसकी जो है वो स्थापना भी हो जाएगी। इसके साथ हमारे प्राचीन शिव मंदिर के साथ भगवान श्री राम जी के परिवार का मंदिर जो है वो भी स्थापित किया गया है और इसके साथ सत्संग हॉल का भी निर्माण किया गया है और साथ में हाल ही में हमारी संस्था द्वारा एक बीजे थेरेपी कैंप 2 अक्टूबर जो साड़ा स्पोर्ट्स डे होता है। मेरा नाम KM लाल है। मैं अखिल भारतीय हिमाचल सामाजिक संस्था संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमारी ये अर्धवार्षिक सम्मेलन हो रहा है जो कि 2 दिनों का है, 19 और 20 नवंबर, और इसकी मेजबान संस्था है हिमजन एकता मंच अमृतसर। हमारे मेन जो कार्य हैं वो सामाजिक हैं और समाज की जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी ये 2 दिन का सम्मेलन है। राउंड अबाउट 35 हिमाचली संस्थाएं जो कि पूरे भारतवर्ष में अपने अपने कार्य में अपने कार्य क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में अग्रणी हैं और समाज की सेवा कर रही हैं और साथ ही सरकारों के द्वारा बनाए हुए जो कानून हैं समाज को उनको धरातल पे कैसे पालन करना है उसके लिए अग्रसर हैं। जैसे स्वच्छता है, स्वच्छ भारत है, जैसे हमारे खेतियों का विकास एग्रीकल्चर है, जैसे रेलों का विकास। तो हम अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी कोई कमी देखते हैं सरकार के नोटिस में लाते हैं। जैसे हिमाचल में इस समय हवाई टैक्सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पर्यटक आ रहा है। कश्मीर में कुछ हलचल ऐसी है कि पर्यटक वहाँ जाना उतना ठीक नहीं समझ रहा है तो वो हिमाचल के पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख करता है, लेकिन उसके लिए उसको सड़कों का, रेल का और हवाई टैक्सी या जल टैक्सी का अगर प्रयोजन हो जाए, अगर सरकार इस चीज़ में हमारे हिमाचल को या प्रदेशों को असिस्टेंस दे तो उससे और ज़्यादा विकास हो सकता है। मैं राकेश कुमार शर्मा, प्रेसिडेंट हिमाचल कल्याण सभा दिल्ली, ऑल इंडिया हिमाचल सोशल बॉडी फाउंडेशन का मैं महासचिव भी हूँ राष्ट्रीय स्तर पर। हमारी ये 2 दिवसीय बैठक आज मेजबान संस्था एकता मंच अमृतसर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये सर्वप्रथम तो मैं मेजबान संस्था का आभार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अन मन तन धन लगा करके इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम कराया जिसमें हमारे लगभग 37 संस्थाओं के पूरे भारतवर्ष के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसमें हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं वो एक तो सानन प्रोजेक्ट है जिसकी अवधि जो है 99 का ईयर्स का जो है एग्रीमेंट हुआ था वो 2024 में ख़त्म हो रहा है। तो हम प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसका सारा कार्यभार जो है वो प्रदेश सरकार को सौंपा जाए जिससे कि प्रदेश के बच्चों को उसमें रोज़गार मिलेगा और प्रदेश के लोगों के हित में ये बहुत ही अति सुंदर कार्यक्रम होगा ताकि ये प्रदेश में जोगिंदर नगर में ये सानन प्रोजेक्ट विस्थापित किया गया था जो सन 1932 के लगभग, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। तो हमारा अनुरोध है कि ये प्रदेश सरकार इसमें प्रयास करे और इसको पुनः अपने प्रदेश के हित में कार्य को सोचते हुए इसको वापस ले पंजाब, जो कि अभी पंजाब गवर्नमेंट के अधीनस्थ है। मेरा नाम राजीव शर्मा, मैं हिमजन एकता मंच का सेक्रेटरी हैं जी। सर आज मीटिंग की गई है, क्या मकसद है आज की मीटिंग का? मीटिंग का मकसद है कि हिमाचल के लोग जो बाहर रहते हैं उन्होंने इकट्ठे करते हैं। अपन 37 संस्था जिते आई हैं ने
उन्होंने एक दूजे वार्तालाप हो रही है जी कि वह संस्थावान ने 6 महीने की काम किया है वह ब्यूरो है वह सारिया संस्था अपना अपना दे रहे सेंटर में जी। सतवां स्थापना दिवस है जी जो कल मनाया जा रहा है हिमजन एकता मंच मना रही है बड़ी धूमधाम मनाते हैं। एको ही मोटिव है कि सारे नाल मिल जुल के आपां इत्थे रहिए सारे नाल प्यार नाल रहिए सारे नाल इकट्ठे बैठ के खाना खाइए भुंज जिस तरह जमीन पर बैठ के हिमाचल का कल्चर है जिस तरह बैठ के खाते सी उस तरह ही इत्थे भी असीं करदे हां। सतवां दिवस है इस बार।